राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त भूमिका लेकर आई हूँ आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता सीरीज। कल हमने श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय आत्मदेव ब्राह्मण की कथा के बारे में जाना था। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का पांचवा अध्याय, धुंधुकारी के प्रेत योनि से मुक्ति। तो स्टार्ट करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के कहने पर जब वन में चला गया तो धुंधुकारी ने पैसों के लिए अपनी माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह उससे गड़े धन के बारे में पूछता, पर धन कहीं था ही नहीं। वह कब तक बहाने बनाती। एक रात अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब गोकर्ण ने धुंधुकारी का यह हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के दुख सुख में समान भाव से सम्मिलित होता। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधुकारी वेश्या गमन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुराकर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। उस रात वह वेश्या के यहाँ ही सोया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में था तो वेश्या के घर वालों ने विचार किया कि वह चोरी करके धन लाता है, यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुंह में ढकेल दिया जाए। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटकाया और लेकिन वह जब भी नहीं मरा तो जल्दी लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफन कर दिया। वेश्याएं किसी की भी मित्र नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब होता है। मुख में जुबान बड़ी मीठी होती है और पेट में विष भरा होता है। लोगों के पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है। हत्या किया जाने के कारण धुंधुकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि ने होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद्ध किया। रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आया तो उसने धुंधुकारी को प्रेत योनि में देखा। वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा तो कभी मनुष्य बन जाता। गोकर्ण ने धैर्य के साथ उससे पूछा, अरे भाई तू प्रेत कैसे बन गया? मैंने तो तेरा विधिवत श्राद्ध कर दिया है। धुंधुकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला, भाई मैं धुंधुकारी हूँ, मैंने बड़े पाप किए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही। अब तुम ही अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर पर बुलवाकर अपने भाई प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सूर्य उपासना करके भगवान सूर्यदेव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। गोकर्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सूर्य उपासना की। सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो गोकर्ण ने भगवान सूर्यदेव से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। वत् श्रीमद् भागवत का परायण कराओ और अपने भाई को सुनाओ, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल ब्राह्मणों, पंडितों, योगियों और महापुरुषों को बुलवाकर मंत्र गणना की और शास्त्र विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह परायण करवाया। उसे सुनने बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, धनी निर्धन वहां आए। धुंधुकारी का प्रेत एक बांस पर, उसमें सात गांठें थी, बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की एक गांठ फट गई, ऊंची शब्द दुहमनी हुई। इसी प्रकार दूसरे दिन और तीसरे दिन भी कथा की समाप्ति पर बांस की गांठ भारी शोर करते हुए फट गई और पांचवें, छठे और सातवें दिन भी ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों की कथा सुनने से धुंधुकारी के सारे पाप नष्ट और हो गए और वह प्रेत योनि को छोड़कर वैकुंठ लोक में चला गया। गोकर्ण से जाते समय उसने कहा, भाई मैंने अपने जीवन में अत्यंत जघन्य पाप किए, मैं अपनी माता और पिता की मृत्यु का कारण बना, मैंने उन्हें उनके जीवित रहते भी दुख दिए, भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया था,
मुझे तो लगता था मैं इस पापों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस संसार यूपी कीचड़ में फंसे लोग श्रीमद् भागवत के कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भवसागर के पार हो जाते हैं। यह कथा अत्यंत पावन है। जो इसका पारायण किसी सांसारिक ऐश्वर्य भोग की कामना से करता है, उसकी उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। वैष्णव को इस पारायण का फल प्रेम भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ करता है कराता है, उसे उन्हीं प्राप्त होता है। धुंधकारी के प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वहां उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गोकर्ण से कहा, वत्स, हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे आप मिटा दीजिए। यहां उपस्थित हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण सुना, परंतु यहाँ सभी को मुक्ति नहीं मिली। केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली और वह वैकुंठ में चला गया, ऐसा क्यों हुआ? गोकर्ण ने कहा, महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनता है, उसे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन जिसका चित्त सांसारिक कार्यों में ही उलझा रहता है, उसे वैसा फल प्राप्त नहीं होता है। एक चित्र होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्रार्थना पर गोकर्ण ने श्रवण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। जिन्होंने एक चित्र होकर इस कथा को सुना, उनके लिए श्री कृष्ण स्वयं बैकुंठ से विमान लेकर पधारे और गोकुण सहित उन्हें अपने लोक बैकुंठ ले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर अपने सदेह बैकुंठ गए थे, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुंच भी नहीं है, वहां यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जाता है। इस कथा का महात्म्य सभी तपों और व्रतों से ऊंचा है, ऐसा सभी को समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।